इस वीडियो में हम बताएंगे कि यहाँ पे एप्पल का सर्टिफिकेट कैसे क्रिएट करते हैं, जब कोई ऐप को पब्लिशिंग देना होता है तो उसका सर्टिफिकेट कैसे क्रिएट करते हैं, प्रोविजनिंग प्रोफाइल कैसे, तो इसका डिटेल मैं यहाँ पे डेवलप कराऊंगा। अभी मैं जाता हूँ एक्सकोड में, और अगर यहाँ पे एक्सकोड में जाने के बाद मैं जाता हूँ प्रिफ्रेंसेज में, प्रिफ्रेंसेज में यहाँ पे लिस्ट को कराएगा कि कौन कौन सा अकाउंट यहाँ पे एडेड है, यहाँ पे अकाउंट एडेड है। तो यहाँ पे अभी मैं ऐड करने जा रहा हूँ एप्पल आई डी, एप्पल आई डी को मैं ऐड कर रहा हूँ, टू वेरिफिकेशन पासवर्ड मांग रहा है। तो यहाँ पे टू वेरिफिकेशन आई डी आया है, ओटीपी आया है मेरे फोन नंबर पे, तो मैं यहाँ इंटर करूंगा, 1435 करेगा, और वेरीफाई करने के बाद मेरा अकाउंट ऐड कर देगा एक्सपोर्ट के प्रेफरेंस अकाउंट में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड हो गया है अकाउंट, यहाँ पे राकेश बेहरा एडमिन का रोल आ गया। यहाँ पे अगर हम डाउनलोड मैनुअल प्रोफाइल करें या मैंने सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे अभी कुछ है नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओपन करेंगे की चेन एक्सेस ओपन करेंगे, और यहाँ से हम रिक्वेस्ट करेंगे सर्टिफिकेट ऑथोरिटी को सर्टिफिकेट देने के लिए, और उसके बाद फिर हम एप्पल पे साइन इन सर्टिफिकेट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ किचन खुल चुका है। तो यहाँ पे हम जाएंगे ऊपर टॉप बार पे, यहाँ पे आएगा किचन एक्सेस जस्ट बिसाइड द लोगो ऑफ एप्पल। तो यहाँ पे जाएंगे अभी सर्टिफिकेट असिस्टेंट में यहाँ पे, और यहाँ रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम ए सर्टिफिकेट ऑथोरिटी यहाँ पे करेंगे, कॉल करेंगे इसको। तो यहाँ पे किस तरह से विंडो आएगा, तो हम यहाँ पे जो ईमेल आईडी मेरा लॉगिन है उसको देंगे, नेम को ब्लैंक रखेंगे, और यहाँ सेव टू डिस्क मार देंगे। Let me specify the key pair information if I want, or just I will save this to my local system. So यहाँ पे एक certificate desktop पे save हो रहा है, और ये मेरा यहाँ local certificate generation authority से काम हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पे getting started with certificate. तो certificate create करने के लिए first of all जब developer account पे आते हैं, आप यहाँ पे जब developer account खोलेंगे, अकाउंट इस तरह से कुछ आएगा, इस तरह से कुछ अकाउंट आएगा। यहाँ से आप ऐप कनेक्ट करके जा सकते हैं, जो यहाँ पे आईट्यून पे या एप स्टोर पे जहाँ पे ऐप आपका डाला जाएगा। तो यहाँ सर्टिफिकेट और आइडेंटिफायर्स में जाएंगे, आइडेंटिफायर ऑलरेडी मैं क्रिएट कर चुका हूँ, आइडेंटिफायर क्रिएट करते हैं इस तरह से कि एप्पल आईडीज जो यहाँ पे है हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसी को रखेंगे, क्योंकि इसके लिए ही हमको चाहिए। तो यहाँ जब कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ ऐप है, ऐप क्लिक है, तो ऐप हमको क्रिएट करना है, तो ऐप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ डिटेल्स मांगे जाएंगे। अगर आइडेंटिफायर क्रिएट नहीं किए हैं तो यहाँ क्या डिस्क्रिप्शन होगा, और आइडेंटिफायर बंडल आप अगर देना चाहते हैं कुछ एक्सप्लिसिटली तो उसको दे सकते हैं, या वाइल्ड कार्ड रखेंगे तो स्टार हो जाएगा, और बाई डिफॉल्ट स्टार हो जाएगा। तो यहाँ पे कहता है रिकमेंड यूजिंग द वर्स्ट डोमेन नेम स्टाइल, जैसे कि अगर डोमेन नेम है www.example.com, तो वहां पे आप दे सकते हैं com.example.www, इस तरह से रिवर्स डोमेन फॉर्मेट में। और यहाँ पे जो आपका कैपेबिलिटी चूज करना है, जैसे कि मुझे चाहिए पुश नोटिफिकेशन चाहिए, तो हम यहाँ पे पुश नोटिफिकेशन सिलेक्ट करेंगे। जैसे पुश नोटिफिकेशन यहाँ पे है, साइन इन विद एप्पल चाहिए तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं, और कोई और सर्विस चाहिए तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से जैसे ही कंटिन्यू मारेंगे नेम के साथ, यहाँ पे कंटिन्यू मारेंगे तो आपका एक आइडेंटिफायर क्रिएट हो जाएगा। तो अभी मेरा ऑलरेडी आइडेंटिफायर क्रिएटेड है डीजे स्टैक करके। तो सर्टिफिकेट के अंदर में जाएंगे, अभी जब मैंने क्रिएट किया था, यहाँ पे जो ऑप्शंस चूज करने वाले होते हैं, यहाँ पे है एप्पल डेवलपमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए हमको, या एप्पल डिस्ट्रीब्यूशन का चाहिए, iOS डेवलपमेंट का चाहिए, तो हमें फर्स्ट डेवलपमेंट का एक सर्टिफिकेट जनरेट करा लेते हैं। तो हमको जो प्रोविजनिंग सर्टिफिकेट CSR रिक्वेस्ट जो हम सबमिट किए थे उसको हम यहाँ से चूज कर लेंगे, सिलेक्ट करेंगे, और इसको जैसे इंपोर्ट करेंगे ये मेरा डेवलपमेंट का एक दे देगा, एक डेवलपमेंट का आ गया मेरा सर्टिफिकेट, इसको डाउनलोड कर लूंगा ISO डेवलपमेंट करके आ गया। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे एक आ गया नेम राकेश बेहरा करके, यहाँ से आ गया iOS डेवलपमेंट iOS। एक और सर्टिफिकेट ऐड करूंगा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, iOS डेवलपमेंट मैक्सिमम सर्टिफिकेट ऑथोरिटी यहाँ पे हो गया है कि मैक्सिमम मैक्स सर्टिफिकेट जनरेट करा सकते हैं। iOS डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है App Store Ad Hoc डिस्ट्रीब्यूशन, हम यहाँ पे जाएंगे, साइन योर iOS app for submission to App Store and Ad Hoc डिस्ट्रीब्यूशन ये सिलेक्ट करेंगे। अगर फर्स्ट एप्पल डेवलपमेंट सिलेक्ट करते हैं तो ये सभी के लिए iOS, macOS, TV, US, ये जितने भी एप्पल के प्रोडक्ट हैं जो रन है,
इन सब के लिए होगा, तो हमको चाहिए केवल iOS डिस्ट्रीब्यूशन, हम iOS डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट किया। नेक्स्ट सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, यहाँ पे सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट यहाँ से ओपन करेंगे और कंटिन्यू मारेंगे यहाँ पे, तो ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेट क्रिएट हो गया, इसको मैं सेव कर लूंगा। अब मेरा सर्टिफिकेट क्रिएट हो चुका है, तो मैं जाऊंगा यहाँ xcode पे यहाँ पे, क्योंकि प्रोफाइल अभी कोई क्रिएट नहीं हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट करना है। तो जनरेट प्रोफाइल, प्रोफाइल में हम यहाँ पे iOS एप डेवलपमेंट यहाँ सेलेक्ट करते हैं डेवलपमेंट के लिए, और यहाँ पे आईडी सेलेक्ट करेंगे कौन से ऐप के लिए है, ऑफलाइन सपोर्ट या नो वैलिडिटी 7000 जो बाय डिफॉल्ट है वही रखेंगे, और हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कौन सा iOS डेवलपमेंट के लिए सर्टिफिकेट हम जनरेट किया है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ क्रिएट डिवाइस है, क्रिएट डिवाइस, तो डिवाइस आईडी मैंने अपने डिवाइस आईफोन से नेविगेट किया है, और यहाँ पे कंटिन्यू मारेंगे तो रजिस्टर हो गया, मेरा एक डिवाइस रजिस्टर हो गया, और यहाँ पे मैसेज को रजिस्टर कर दिया, रजिस्ट्रेशन डन हो गया मेरा डिवाइस का। तो अभी यहाँ पे मैं प्रोविजनिंग जब प्रोफाइल क्रिएट करूंगा तो उस टाइम में हमको उसका जरूरत पड़ेगा, तो iOS ऐप डेवलपमेंट का यहाँ पे गए ऐप सेलेक्ट मारे, नेक्स्ट करेंगे iOS डेवलपमेंट कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे इंक्लूड मैक डिवाइसेस और जो है सिलेक्शन यहाँ पे कर लिए। प्रोविजनिंग प्रोफाइल नेम यहाँ पे आएगा, तो प्रोविजनिंग प्रोफाइल नेम में यहाँ पे प्रोविजनिंग प्रोफाइल नेम में यहाँ पे आपको नाम देना है, तो यहाँ जैसे दे देता हूँ DGStack Dev दे दिया हूँ, और यहाँ पे जब जनरेट मारूंगा सर्टिफिकेट तो मेरा डेवलपमेंट सर्टिफिकेट डेवलपमेंट प्रोफाइल जनरेट हो गया। और एक और प्रोफाइल मुझे जनरेट कराना है प्रोडक्शन के लिए, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एड हॉक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल इंस्टॉल योर ऐप ऑन लिमिटेड नंबर, एड हॉक यहाँ पे है, और एक होता है App Store Distribution Create Distribution Provisioning Profile to Submit Your App to App Store। तो हम इस पे जाएंगे क्योंकि ad hoc में क्या है, limited device पे जो registered है उसी पे केवल test चल सकता है, हमें ad hoc करना होगा। और यहाँ पे select करेंगे Provisioning Profile Distribution के लिए iOS Distribution जो certificate create किया था उसको select किया, DGStack.dot दिए इस Provisioning Profile का name, और यहाँ पे जब हम continue करेंगे generate हो गया। एक्सपायरी 1 ईयर होता है इस जो भी सर्टिफिकेट आप जनरेट कराते हैं उसका एक्सपायरी 1 ईयर है। अभी जब मैं यहाँ एक्सपोर्ट किया आऊंगा और जब देखूंगा यहाँ पे तो डाउनलोड मैनुअल प्रोफाइल्स, तो यहाँ पे मेरे दोनों प्रोफाइल आ जाएंगे, दोनों प्रोफाइल आ चुके हैं यहाँ पे ऑलरेडी, दिखेंगे नहीं। मैंने सर्टिफिकेट में अगर चाहते हैं तो यहाँ कोई सर्टिफिकेट हम शो नहीं कर रहा है, लेकिन सर्टिफिकेट एडेड है यहाँ पे, अगर हम इंस्टॉल करते हैं इस चीज को, तो इंस्टॉल हो गया, हाँ इसको इंस्टॉल किया, ये भी इंस्टॉल हो गया, और प्रोविजनिंग प्रोफाइल जो डेवलपमेंट का आया था वो इंस्टॉल हो गया है, और ये भी इंस्टॉल हो गया। तो मेरा चारों जो हम डेवलपमेंट सर्टिफिकेट क्रिएट किए और डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेट क्रिएट किए और ये जो प्रोविजनिंग प्रोफाइल जो क्रिएट किए दो, वो मेरा रेडी है। अभी मैं ऐप को टेस्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म iOS इन दोनों का सिलेक्ट है, तो मेरा यहाँ पे काम हो गया। इस तरह से हम सर्टिफिकेट जनरेट कराते हैं, प्रोविजनिंग प्रोफाइल डेवलपमेंट सर्टिफिकेट और प्रोडक्शन सर्टिफिकेट, और उसके बाद हम यहाँ पे प्रोफाइल इस तरह से क्रिएट करते हैं, जो कि मुझे ऐप साइनिंग करने में, ऐप को साइनिंग जब करना होता है रिलीज देने के लिए या डेवलपमेंट किसी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डेवलपमेंट टीम को, तो उस टाइम में काम। तो इस तरह से आप साइनिंग सर्टिफिकेट यहाँ पे जनरेट करा के और यहाँ पे इस तरह से यूज कर सकते हैं, जब आप बिल्ड देते हैं एप्लीकेशन का, जब बिल्ड देंगे तो उस टाइम में आपका यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है साइनिंग सर्टिफिकेट, स्पेशली वाइल रिलीजिंग द ऐप।